नंबर हमने कर लिया था, आगे चलते हैं भाई अब। अच्छा जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ड्रिंग। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, और इसमें ये कुछ बातें बता रहा है कि वेरिएबल के जो नाम है ना, वो कौन से नाम रख सकते हैं आप और कौन से नाम नहीं रख सकते। तो इसके कुछ इन्होंने रूल रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस किया है। वो वैसे भी आप वीएस कोड में लिखेंगे तो एरर आपको शो करता है, बट ये ज़रा बता रहा है यहाँ पे कुछ बातें डिटेल में। अच्छा, यू हैव लर्न 3 रूल्स अबाउट नेमिंग द वेरिएबल्स। यू कैन नॉट इनक्लोज इन कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क में इसने पहले चैप्टर में एक जगह लिखा था कि कोटेशन में आप पैक नहीं कर सकते वेरिएबल को। क्यों? कि कोटेशन में अगर आप पैक करेंगे तो वो समझेगा कि स्ट्रिंग लिटरल है, वेरिएबल नहीं समझेगा उसको। अच्छा, नेम कैन नॉट बी अ नंबर और स्टार्ट विथ नंबर। वेरिएबल का नाम जस्ट नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर जस्ट नंबर होगा वेरिएबल का नाम, तो जैसे मिसाल के तौर पे कॉन्सोल डॉट लॉग करते हुए अगर मैं जस्ट एक नंबर लिखूं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये नंबर लिटरल हो गया कि भाई लिटरली इस नंबर को एज इट इज प्रिंट कर दे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखता हूँ बैलेंस, तो दिस इज वेरिएबल, इसको बैलेंस को लिटरली प्रिंट नहीं करेगा, इस बैलेंस की वैल्यू को तलाश करके उसको प्रिंट करेगा लाके। ठीक है, तो इसी वजह से वेरिएबल का नाम अगर हमने जस्ट नंबर रख दिया तो उसको पता कैसे चलेगा। तो इसलिए ये जावास्क्रिप्ट में चीज़ इलीगल है कि आप वेरिएबल का नाम जस्ट नंबर नहीं रख सकते। अच्छा, और आखिर में नंबर लगा सकते हैं आप, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आता हूँ मैं बैलेंस के आगे मैं लगा देता हूँ 1, तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन कि 1 लगा हुआ है। लेकिन अगर मैंने शुरू में 1 लगा दिया या 2 लगा दिया या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लगा दी, तो दिस इज़ नॉट फाइन। तो शुरू में नहीं लगा सकता नंबर में, बाकी दरमियान में कहीं पे भी लगा सकता हूँ और लास्ट में भी लगा सकता हूँ, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो सिर्फ नंबर नहीं और नंबर से स्टार्ट नहीं, ये दो चीज़ हो गई। इट कांट बी एनी ऑफ द जावास्क्रिप्ट कीवर्ड। जावास्क्रिप्ट के जो कीवर्ड पहले से मौजूद हैं वो रिजर्व कीवर्ड उसको कहना चाहिए हमें, वो कीवर्ड के नाम से वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ठीक है, इमेजिन करें कि अगर मैं कॉन्सोल डॉट लॉग में आता हूँ और बोलता हूँ कि यार लेट को प्रिंट करो, तो लेट तो ऑलरेडी एक कीवर्ड है, तो क्या ये कीवर्ड समझे या वेरिएबल समझे इसको, ये तो एम्बिग्यूटी हो गई। तो इसलिए ये काम भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये बैलेंस है, इसको मैं किसी वेरिएबल को किसी उस नाम से बनाऊँ जिस नाम से पहले से कोई कीवर्ड मौजूद है। ठीक है, जैसे कि अलर्ट के नाम से बनाऊँ मैं। ठीक है, एरर यहाँ पे वैसे दिया नहीं लेकिन ये एरर है, सही है, लेट एक कीवर्ड है तो यहाँ पे ये एरर दे दिया कि भाई लेट लेट नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं, जैसे एक रिजर्व कीवर्ड है हमारे पास क्लास का, इसमें भी एरर दे देगा ये। अच्छा, और भी हमारे पास वार भी एक रिजर्व वर्ड है, ES5 में उससे वेरिएबल बनता था, तो वार के नाम से भी आप नहीं बना सकते क्योंकि ES6 में ES5 की सपोर्ट को ख़त्म नहीं किया गया। ES5 में जो जो चीज़ें चलती थी वो सब चलती है ES6 में भी, जिसको हम लेगेसी सपोर्ट कहते हैं। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में इसको रखा जाता है इस तरह से कि भाई जो पुराना चलता हुआ कोड है ना वो बंद ना हो जाए। तो वेल, कीवर्ड कोई नहीं हो सकता। द स्पेशल वर्ड एक्ट एंड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर अलर्ट और वार। ठीक है, इन्होंने बोला भाई अलर्ट और वार एक एग्जाम्पल है कीवर्ड का। आगे क्या बता रहे हैं, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसेस। वेरिएबल के नाम में स्पेस अगर आपने दे दिया ना बैलेंस के आगे, ऐसे स्पेस दे दिया, तो ये इसको समझ नहीं आएगा फिर। सही है, अब वो बैल अलग है और एंस अलग है। अब तो या तो सिर्फ बैल हो या तो एंस हो या पूरा बैलेंस हो। ठीक है, ये दो स्पेस नहीं डाल सकते आप इसमें। अच्छा, स्पेस की जगह क्या डाल सकता है, अंडरस्कोर। अच्छा, अभी वो आगे आ जाएगा। वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स नंबर्स डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। ये डॉलर साइन और अंडर स्कोर, इन दोनों के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं हो सकता वेरिएबल के नाम में। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हो गए यानी कि कैरेक्टर्स और नंबर्स। नंबर्स का भी बता दिया कि नंबर शुरू में नहीं आ सकता, लास्ट में या दरमियान में कहीं आएगा। स्पेशल कैरेक्टर या जो सिंबल्स जिसको कहते हैं वो डॉलर साइन और अंडर स्कोर, दैट्स इट। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा इसमें स्पेशल कैरेक्टर अगर आपने लगाया, जैसे कि डॉट लगाया या डैश लगाया, सही है, या इसमें डॉट लगाया आपने, तो ये एरर है। ठीक है, या क्वेश्चन मार्क वगैरह, ये कोई भी एरो ब्रैकेट श्रैकेट कुछ भी नहीं लगा सकते आप। ठीक है, अगला क्या है भाई, ऑल दो अ वेरिएबल कैन नॉट बी एनी जावास्क्रिप्ट कीवर्ड, इट कैन कंटेन कीवर्ड्स। कह रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसी मजबूरी हो गई है कि अलर्ट के नाम से ही बनाना है वेरिएबल और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है,
तो क्या करेंगे आप, तो अलर्ट को जो है ना आप ऐसे कर सकते हैं, यूजर अलर्ट, एग्जैक्टली अलर्ट नहीं लिख सकते लेकिन आगे पीछे कुछ लगा देंगे तो हो जाएगा। जैसा कि कल भी मैंने जिक्र किया था कि भाई अगर कैपिटल ए से लिखा हुआ अलर्ट है ना वो अलग है और स्मॉल ए से लिखा हुआ अलर्ट अलग है, तो कीवर्ड जो है वो स्मॉल ए से है, कैपिटल ए से कोई कीवर्ड नहीं अलर्ट का। तो कैपिटल से बनाते हैं आप, या साथ में कोई यूजर अलर्ट लगा दें, या नोटिफिकेशन अलर्ट लगा दें, या एरर मैसेज एरर अलर्ट लगा दें, है ना, तो इस तरह करके, या माई वार कर दें आप, तो ये हो जाएगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है यार बच्चों, ये फ़ोन अपना साइलेंट कर लिया करो यार, फ़ोन बजता हुआ ना नजर आए किसी का भी ना, साइलेंट कर लिया करो, वाइब्रेशन पे कर लूँ। कैपिटल लेटर आर फाइन बट बी केयरफुल, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, वेरिएबल जिस लेटर से लिखा है उसी से एक्सेस होगा। अगर किसी चीज़ अगर रोज़ लिखा हुआ है कैपिटल आर से और रोज़ लिखा हुआ है स्मॉल आर से, तो ये दो अलग अलग हैं, ठीक है। इफ़ यू असाइन स्ट्रिंग, कोई भी बात आपने लिखी है स्मॉल रोज वाले से और आप प्रिंट करवा रहे हैं कैपिटल वाला आर वाला रोज, तो वो मिलेगा नहीं आपको। अच्छा, आई टीच द कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन, एक कैमल केस करके कन्वेंशन होती है, नेमिंग कन्वेंशन, वो कह रहे हैं कि मैं बुक में फॉलो करूंगा थ्रू आउट द कोर्स, बिकॉज देयर इज अ हम ऑफ टू और थ्री इन द मिडल नेम फॉर्म मोर देन वन वर्ड। अ कैमल केस बिगन विथ लोअर केस, इफ देयर इज मोर देन वन वर्ड ईच सबसीक्वेंट वर्ड गेट अ इनिशियल कैप क्रिएटिंग हम्प इफ यू आर फ्रॉम वेरिएबल, इफ यू फॉर्म अ वेरिएबल नेम विथ वन वर्ड लाइक रिस्पॉन्स, तो ये एक वर्ड है, देयर इज नो हम्प इन अ कैमल केस। अभी इसने लंबी बात लिखी, वेल तो कह रहे हैं कैमल केस जो है एक नेमिंग कन्वेंशन है, इसमें होता क्या है कि हम अगर एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं तो पहला जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन हर आने वाला अगला वर्ड सबसीक्वेंट वर्ड जो है वो उसका इनिशियल लेटर जो है वो कैपिटल होता है। अच्छा, इससे क्या होता है, एक हम्प बन जाता है ऊँट के कुहान की तरह, है ना, ऊँट का कुहान होता है ना, ऐसे उठा हुआ होता है फिर गिरा हुआ होता है, फिर डबल कुहान वाला भी देखा होगा ऊँट, तो वैसे वो डबल कुहान वाले ऊँट के जैसा कुछ बन जाता है। अच्छा, तो उसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट ये है, नंबर एक जो कन्वेंशन होता है, पहले तो ये समझो कन्वेंशन क्या बोला है। कन्वेंशन ये होती है कि दो लोग आपस में डिसाइड कर लें कि हम ऐसे किया करेंगे, ठीक है। कन्वेंशन होता है, एक होता है रूल, रूल में ये होता है कि अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो उस पर फाइन होता है, रूल वायलेट करने पे कुछ ना कुछ आपको कॉन्सिक्वेंस देखना पड़ता है। कन्वेंशन ऑन अदर हैंड कोई रूल नहीं होता, आप इसको फॉलो करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो कोड आपका सही चलेगा, ठीक है, एरर नहीं आएगा, कोई वायलेशन नहीं किया आपने, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट की तरफ से नहीं होता, रूल लोग खुद बनाते हैं आपस में, ये वाला जो सॉरी कन्वेंशन जो है लोग खुद बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अब एक कच्ची सड़क है, वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, अच्छा, लेकिन वहाँ पे अब दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, तो अब क्या होगा, सामने से गाड़ी आ रही है और यहाँ से भी जा रही है, अब क्या होगा, ये तो दोनों फंस जाएंगे आपस में, अब वो लेफ्ट हो या राइट हो ये मुझे तो नहीं पता, या मैं लेफ्ट हो जाऊँ अपने या राइट हो जाऊँ कैसे पता चलेगा, तो मैं इंडिकेटर जलाऊंगा कि भाई मैं इधर हो रहा हूँ, है ना, वो सामने से इंडिकेटर जलाएगा कि मैं इधर हो रहा हूँ, तो ये कैसे पता चला कि यार इंडिकेटर जलाना है, क्योंकि इंडिकेटर पहले से पता है ना कि यार इंडिकेटर इसलिए होता है कि मैं किधर जाऊँगा उस तरफ का इंडिकेटर मैं ऑन कर देता हूँ, तो उसको भी पता चल गया मुझे भी पता चल गया। अच्छा, लेकिन इसमें एक मसला है, इसमें मसला ये है कि मैं भी राइट होने के चक्कर में हूँ, वो भी राइट होने के चक्कर में है ना, वो भी इधर आ रहा है मैं भी इधर आ रहा हूँ, दोनों ने इंडिकेटर एक साइड का ही जलाया हुआ है, अब चेंज कौन करे। अब मैं थोड़ी देर तक मैंने वेट किया, मैंने कहा चल यार मैं इधर हो जाता हूँ, मैंने इधर किया उसने भी इधर कर दिया, नहीं फट वो होता है ना समटाइम, आप सामने कोई आ जाता है, आप इधर होते हैं वो भी इधर होता है, आप इधर होते हैं वो भी, आप होता है ना, ये तो मसला होगा, ये तो हर दफ़ा होगा, तो ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन तो नहीं हुआ, इसका क्या हाल है भैया। कन्वेंशन बना लेते हैं हम कि यार हर बंदा ना अपने लेफ्ट पे होगा, ये पाकिस्तानी जो रूल भी है रोड पे, लेकिन अगर आप शारे फैसल पे आप अगर राइट पे चले जाते हैं तो फिर तो आपका होगा फाइन, लेकिन कच्ची सड़क पे जहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है कुछ भी नहीं है वहाँ पे कोई फाइन करने वाला नहीं है, आप राइट पे चलें लेफ्ट पे चलें आपकी मर्जी है, लेकिन वहाँ पे कन्वेंशन आप खुद का एक बना लेंगे कि हर बंदा ना अपने लेफ्ट पे हो, मैं अपने लेफ्ट पे हो जाऊंगा, सामने से आने वाले का लेफ्ट दूसरी साइड होता है वो अपने लेफ्ट पे हो जाएगा,
तो दोनों हम इजीली निकल जाएंगे, ना ब्रेक लगेगी, ना टाइम ज़ाया होगा, ना कन्फ्यूजन होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक इस चीज़ को हम कहते हैं कन्वेंशन, कि दो लोगों ने आपस में कोई बात डिसाइड की हुई है, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर कुछ अरसे पहले तक मिस कॉल का ज़माना था, जब आप लोगों ने पता नहीं वो देखा है मिस कॉल का ज़माना या नहीं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, 20 रुपये का बैलेंस डलवा के फ़ोन में और मिस कॉल दिया करते थे। तो एक मिस कॉल का मतलब है कि मैं पहुंच गया हूँ, दो मिस कॉल का मतलब है कि लोगों ने कन्वेंशन सेट कर ली थी मिस कॉलों पर, ठीक है। उस वक्त ही SMS के पैकेज वगैरह नहीं हुआ करते थे, वो बाद में आए। फिर है कोई यहाँ पे SMS के पैकेज से भी पहले वाला बंदा कोई बैठा हुआ है? लड़कियाँ छुपाती हैं अपनी उम्र। हाँ देखो यार, ट्यूशन जाके मिस कॉल देता था कि मैं पहुंच गया हूँ, एक मिस कॉल का मतलब है पहुंच गया हूँ, दो मिस कॉल का मतलब शायद कॉल बैक है ना। हर घर का अलग होता होगा, लोगों ने अपना अपना बनाया हुआ होगा कि भाई दो मिस कॉल का ये मतलब है। दोस्तों ने आपस में बनाया होता था कि यार मैं जब वहाँ पहुँचूंगा ना तो तुझे दो मिस कॉल दूंगा, समझ जाना। तो ये कन्वेंशन लोगों ने सेट किया हुआ होता है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन जो है ना, ये क्या है, ये अमंग द डेवलपर्स ये नेमिंग कन्वेंशन सेट हुई हुई है। जावास्क्रिप्ट के जो डेवलपर हैं वो कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन को ज़्यादा पसंद करते हैं और इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि नेमिंग कन्वेंशन और भी होगी, किसी घर ने सेट किया हुआ कि दो मिस कॉल का मतलब है कॉल बैक, किसी का मतलब है दो मिस कॉल का मतलब है फड्डा हो गया, फटाफट आ जाओ, होगा ना यार, अलग अलग होगा, ठीक है। तो वाइडली कौन सा फॉलो हो रहा है? जावास्क्रिप्ट में वाइडली फॉलो हो रहा है कैमल केस। अच्छा, इसका मतलब है और भी है, एक अंडर स्कोर केस कहलाता है, एक होता है कैपिटल पता नहीं केस कहलाता है, एक और भी है, एक स्नेक केस कहलाता है, तो बहुत सारे, लेकिन खैर हमें उन सबको समझने की ज़रूरत नहीं, हम कैमल केस समझेंगे। अच्छा, कैमल केस का बेनिफिट ये है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, वेरिएबल का नाम रखने में हमें जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो ये रखना पड़ता है कि नाम रेलिवेंट हो। अच्छा, रेलिवेंट नाम रखने के चक्कर में सम टाइम नाम लंबा हो जाता है। अब लंबा हो जाता है ना नाम जब, तो आप देखें ज़रा कि ये वाला जो है, ये जो बात लिखी हुई है, पढ़ने में आ रही है ये बात, हालांकि इतना लंबा है बगैर स्पेस के और ये पढ़ा जा रहा है। ये कैमल केस की वजह से ना रीडेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो जितने भी दुनिया के डेवलपर्स होंगे जावास्क्रिप्ट वाले, वो मोस्ट प्रॉब्ली ये उसको फॉलो करते हैं ताकि उनको भी आसानी हो और आपको भी आसानी हो, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को आप खुद से ट्राई कीजिएगा बगैर कैमल केस के लिखने के लिए, तो आपको वो ना इतना रीडेबल नहीं होगा जितना ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी हम कर सकते थे लेकिन खैर। तो अच्छा, नाम रेलिवेंट रखने से भी एक बात याद आई कि वेरिएबल का नाम ना रेलेवेंट होना ज़रूरी है, कि क्या वैल्यू आपने उसमें रखी है ना वही नाम होना चाहिए, तो अदरवाइज़ क्या होता है कि बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो एक डेवलपर था कोई, वो उसने ABCD करके रखा होगा कुछ नाम वेरिएबल का, ए नाम भी तो सही है ना वेरिएबल का, वैलिड है, ए अगर लिख दूँ तो वो सारे रूल पूरे हो रहे हैं उसके, तो वॉयलेशन तो नहीं है कोई। अगर मैं इसका नाम रख दूँ जस्ट ए, ए इक्वल टू 420, अब नीचे पर हर जगह ए करके यूज़ करूँगा, फिर अगला वेरिएबल मैं बना दूँ बी, तो ये सही है, वॉयलेशन तो नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन मसला ये है कि वॉयलेशन नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं करना, आपको नाम रखना है रेलिवेंट। तो एक बंदा कोई बना रहा था सॉफ्टवेयर, तो उसने कहा कि यार मैं कोई सीक्रेट सॉफ्टवेयर बना रहा था, उस वक्त जब मैं वो बना रहा था सॉफ्टवेयर तो वेरिएबल का मैंने एक नाम रखा ABCD करके रखा होगा कुछ, तो उस वक्त सिर्फ मैं जानता था और मेरा खुदा जानता था कि वो नाम मैंने क्यों रखा है, उसका क्या मतलब है। 3 महीने बाद जब मैंने उसको दोबारा खोला तो सिर्फ मेरा खुदा ही जानता था कि वो नाम मैंने क्यों। तो नाम रेलिवेंट होना चाहिए, थोड़ा सा लंबा हो जाए मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसने यही बात की है कि मेक योर वेरिएबल नेम डिस्क्रिप्टिव, सो इट इज़ ईजियर टू फिगर आउट व्हाट योर कोड मींस व्हेन यू और समवन एल्स बैक आफ्टर 3 वीक, 3-4 हफ्ते बाद, महीने बाद आप खुद खोलेंगे ना, आपको समझ आएगा यार ये मैंने क्या लिखा था, ठीक है। कह रहे हैं कि एक्स यूज़र नेम इज़ बेटर देन एक्स, ठीक है। फेव ब्रीड इज बेटर देन फेफ BRD, सही है। तो कह रहे हैं कि इतना लंबा भी रख दोगे ना आप नाम, तो कोई मसला नहीं है। नाम का जो वेरिएबल का जो नाम होता है ना,
इस कितने कैरेक्टर का नाम हो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 200 कैरेक्टर का एक नाम भी रख सकते हैं, स्पेस नहीं हो, रूल सारे फॉलो हो रहे हो, कोई आखिर में शुरू में नंबर हो, शुरू में नहीं हो सकता नंबर, आखिर में हो सकता है, उसमें अंडर स्कोर डॉलर वगैरह लगा हुआ हो, कैमल केस में हो, तो नाम की लिमिट नहीं है, कोई 200 कैरेक्टर का भी नाम रख सकते हैं आप। तो बेहतर ये है कि नाम डिस्क्रिप्टिव हो ताकि आपको समझ में आए, इतना भी लंबा ना रखें जैसे ये रखा है इन्होंने, क्योंकि वो फिर बाद में प्रॉब्लम भी हो जाती है ना लंबा ज़्यादा नाम हो तो। अच्छा भाई, अब हमारे पास चीज़ मौजूद है मैथ एक्सप्रेशंस। लास्ट हमने बात पढ़ी थी कि नंबर का वेरिएबल हमने देख लिया था, अच्छा तो अच्छा नंबर के वेरिएबल को हमने ये प्लस करके भी देख लिया था, राइट, 2+2 हमने एक वेरिएबल रखा था उसमें नंबर था कुछ। आ जाते हैं वापस यहाँ पे और हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं नया, मैथ ऑपरेटर्स। ये क्या किया मैंने, इसका नाम था ना 3, तो सही है नाम कुछ आगे पीछे हो गया था तो मैंने उसको सही कर दिया। अच्छा ये हम यहाँ पे ना ज़रा पढ़ लेते हैं कि भाई मैथ ऑपरेटर का क्या चक्कर है। सही है, अच्छा फेमिलियर वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो वाले पहले डिस्कस हो रहे हैं। अच्छा जी, वेन एवर यू कैन यूज नंबर यू कैन यूज अ मैथ एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल यू आर फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, कह रहा ये स्टेटमेंट आप ने बना ली होगी, वार करके बनाया इसने, हम लेट करके बना रहे हैं क्योंकि हम ES6 पढ़ रहे हैं, तो कह रहा ये एक बात लिख दी आपने, बट यू कैन ऑल्सो राइट दिस, कह रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिखा है ना, यहाँ पे आप 2+2 4 भी तो कर सकते थे, ये पॉसिबल है। अच्छा ऐसे केस में क्या करेगा ये कि ये पहले 2+2 करेगा और 2+2 करके जो भी रिजल्ट कंपाइल होगा उसको डालेगा नंबर में, उसको डालेगा वेरिएबल के अंदर। अच्छा अलर्ट में हमने सिर्फ 2 लिख कर देखा था, अच्छा ये अलर्ट कह रहा है कॉन्सोल डॉट लॉग, एक ही बात है ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग कॉन्सोल में प्रिंट करता है, अलर्ट जो है सामने स्क्रीन पर प्रिंट करता है, दैट्स इट, कोई और फर्क नहीं है। तो इसने कहा कि अलर्ट में डायरेक्ट 4 रख दूँ मैं, लिटरल 4, या वो वेरिएबल रख दूँ जिसमें 4 लिखा हुआ था, या मैं 2+2 करके भी दे सकता हूँ उसको, ठीक है। दिस डिस्प्लेज अ मैसेज 4 इन एन अलर्ट बॉक्स वेन इट सीज अ मैथ एक्सप्रेशन, जावास्क्रिप्ट ऑलवेज डज द मैथ एंड डिलीवर द रिजल्ट, हेयर इज द स्टेटमेंट दैट सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 12। कह रहा है ये जो नीचे बात लिखी हुई है, पॉपुलर नंबर के अंदर क्या जाके सेव होगा, 12-24 क्या होता है, -12 होता है, तो -12 जाके इसमें सेव हो जाएगा। अच्छा तो इस पर हम प्रोसीड करते हैं, लेकिन क्या मुझे ये कोई बात बता पाएगा कि ये मैथ एक्सप्रेशन जो ये कह रहा है हर थोड़ी देर में, है ना, यहाँ पे भी इसने कह दिया कि भाई मैथ एक्सप्रेशन, व्हाट डज इट मीन बाय मैथ एक्सप्रेशन, कोई मुझे ये सादा लफ्ज़ों में कोई समझा पाएगा कि मैथ एक्सप्रेशन, क्योंकि देखो जो बात नाम समझ नहीं आएगा तो टॉपिक क्या समझ आएगा, प्लस माइनस के साइन को दोस्त के कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन कहते हैं, और कैलकुलेशन किस किस्म की, अच्छा यानी आप भी कह रहे हैं प्लस माइनस का साइन जहाँ लगा हुआ 2+2 एक्सप्रेशन है, आप भी मोर और लेस आपने भी यही बात की है जी, बॉर्ड मास रूल जहाँ अप्लाई होगा वो एक्सप्रेशन है, तो मोर और लेस आप भी यही कह रहे हैं कि प्लस माइनस जहाँ पे हो रहा है उसको कहते हैं जी। अच्छा बात सब लोगों ने आप लोगों ने करीब करीब की है, लेकिन एक बात सुनना चाह रहा हूँ मैं, वो नहीं किसी ने की अभी तक, इक्वल्स टू का अगर किसी में साइन आ जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो और इक्वल का भी आ जाए, अच्छा इन्होंने कहा कि हम कभी अगर देखते हैं ना कि 2+2 लिखा हुआ है, लेकिन हमें दिमाग में पता होता है कि ये 2+2 4 लिखा हुआ है,
तो शायद ये एक्सप्रेशन है ये दोस्त कह रहे हैं, तो आपने भी मोर और लेस वही बात की है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन वही वाला एक्सप्रेशन है जो बचपन में मैथ की बुक में हमें एक्सप्रेशन दिया जाता था, लेकिन शायद किसी ने इस बात पर रोशनी नहीं डाली कि एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं उसको। बाय द वे, एक्सप्रेशन अंग्रेजी की डिक्शनरी में उसका क्या मतलब होता है? देखते हैं, एक्सप्रेशन द एक्शन ऑफ मेकिंग नोन वंस थॉट और फीलिंग, कि अगर एक बंदा है किसी दूसरे को अपने दिल की बात बता रहा है तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है। सही है, अ लुक ऑफ समवन्स फेस दैट कन्वे अ पर्टिकुलर इमोशन, कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसे आंख निकाल के किसी को देखी ना, देखा, तो वो भी एक्सप्रेशन, मेनी मोर और लेस बात वही है कि अपनी बात सामने वाले तक डिलीवर कर रहे हो आप, तो वो एक्सप्रेशन है। तो दोनों असल में डेफिनेशन काइंड ऑफ एक ही बात है, लेकिन उसने थोड़ा वो करके कि जोर से बोला हाँ तो उसका कुछ और मतलब है, अगर सर हिला के हाँ बोला तो उसका कुछ और मतलब है। मैथमेटिक्स पे क्लिक कर दूँ, ये लो। अच्छा, इसने भी वो बात नहीं की है जो मैं सुनना चाह रहा हूँ नहीं, इसने तो यार जनरल किया ना, ये तो आप आपके हिसाब से थोड़ी बात कर रहे हैं, ये तो जनरल बात कर रहा है बहुत। एक किसी बच्चे को समझाना होगा कि मैथ एक्सप्रेशन क्या है, तो कैसे समझाएंगे, क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जहाँ पे आ जाए वो है जी। एक स्टेटमेंट जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो लेकिन इक्वल्स टू ना हो, वेरिएबल्स और कांस्टेंट अगर हो वेरिएबल में किसी स्टेटमेंट में, तो उस तरह को आप समझ रहे हैं। बात बिल्कुल सही की है इन्होंने, बात बिल्कुल सही की है। अच्छा, इक्वल टू ना हो की बात नहीं है, इक्वल टू हो भी अगर नहीं, इक्वेशन भी तो एक्सप्रेशन ही है, इक्वेशन भी एक्सप्रेशन है दरअसल। ऐसी चीज जो रिजल्ट निकाल के दे, यानी कि एक फॉर्मूला, फॉर्मूला भी एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सही बात की उन्होंने, लेकिन एक्सप्रेशन क्यों कह रहे हैं उसको? एक्सप्रेशन तो उसको कहते हैं कि एक बंदा अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहा हो। अच्छा, सही है बात, करीब करीब बात की है। देखो, जैसा कि मैंने जिक्र किया था लास्ट कि भाई एक जो इंजीनियर होता है ना, वो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करता है ना, टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करता है कि भाई एक सीढ़ी है, अगर उसको 45 डिग्री पे बनाना है तो डिग्रीज आर टर्मिनोलॉजी। तो इसने अपनी बात कन्वे की है, टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करता है, ठीक है, अपनी बात को एक्सप्रेस किया। अगर ये टर्मिनोलॉजी का कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ मैं असल में, अगर टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल ना करते डिग्री का, तो फिर क्या करते, बताना बहुत मुश्किल होता, पॉसिबल था फिर भी बताना, लेकिन मुश्किल होता, एक पेज का मजमून लिखना पड़ता शायद उसके लिए। अच्छा, इसी तरीके से जब कोई मैथमेटिशियन, ये इंजीनियर है, एक फील्ड है, मैथमेटिशियन इज अनदर टाइप ऑफ इंजीनियर, वो भी इंजीनियर होता है, एक दूसरे टाइप का इंजीनियर होता है। मैथमेटिशियन को जब अपनी बात किसी को बतानी होती है तो वो मैथ की ज़ुबान में उसको जब बताता है ना, तो उसको एक्सप्रेशन कहता है, ठीक है भाई। मैथमेटिशियन ने जो लिखा, जो मैथ बनाई, जो भी सोचा, वो कैसे बताएगा? फॉर्मूले की सूरत में। एक किसी ने ये डिस्कवर कर लिया कि 10 अगर नंबर लिखे हुए हैं तो उसका एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, उसने ये बात डिस्कवर कर ली, बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी, जब भी डिस्कवर हुआ होगा ये, जिस ज़माने में भी, उस वक्त की बहुत बड़ी बात होगी कि अच्छा यार इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो उनका एक लुब्बे लबाब पता चल जाए कि क्या स्कोर हुआ इनका, तो उसने ये बात डिस्कवर कर ली। अब कैसे बताएगा, एक्सप्रेस करेगा कैसे, मैथ की ज़ुबान में लिखेगा। तो मैथ की ज़ुबान में लिखी हुई कोई भी बात वो एक्सप्रेशन है। अच्छा, सबसे सिंपल एक्सप्रेशन जो हो सकता है वो होता है 2+2, एक सिंपल एक्सप्रेशन है, सही है। अच्छा, थोड़ी सी और इसको हम अगर कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएं, ये थोड़ा सा एडवांस एक्सप्रेशन हम देखें, तो किसी भी किस्म का जो फार्मूला हमें मिलता है ना, कि ऐसे भाई परसेंटेज कैलकुलेट करने का, या वो एरिया कैलकुलेट करने का, जो भी
फॉर्मूला होता है, तो वो असल में एक मैथमेटिशियन ने अपनी बात आपको बताई है ना, तो वो एक्सप्रेशन है, किसी ने अपनी बात एक्सप्रेस की है। अच्छा, या मिसाल के तौर पे इस रूम को अगर मैं, इस रूम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो मुझे नहीं पता कैसे होता है, मैथमेटिशियंस की दुनिया है, वो अलग दुनिया है, ठीक है। किसी बंदे के नाम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, या कोई किसी चीज़ की मेजरमेंट ली है, उसने रिपोर्ट देनी है, तो वो एक्सप्रेशन है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बात ऐसे लिखी हुई है, अभी आप सब लोग बताएंगे कि 22 mm ये क्या लिखा हुआ है, इसको छोटा कर दो बड़ा कर दो एक ही बात है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये डायमेंशन लिखे हुए मोस्ट प्रॉब्ली कि कोई चीज लंबाई में कितनी है, चौड़ाई में कितनी है और उसकी डेप्थ कितनी है, मे बी है ना, एक्स वाई जी लिखा हुआ है। आमतौर पे मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन में इस तरह की बात लिखी हुई होती है, तो किसी को आपने मेजरमेंट करने के लिए दिया तो उसने ये जवाब दिया, तो ये मैथ की ज़ुबान में एक एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके बीच में मल्टीप्लाई क्यों है, क्योंकि तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, क्यूब निकल आएगा इसका, कि ये कितने mm क्यूब है ना, एरिया वेरिया पता नहीं क्या होता है जो, वेल क्या निकलेगा। अच्छा, मुझे मैथ इतनी आती वाती है नहीं भाई, दोस्त सही है, आई एम नॉट द मैथ पर्सन, क्या कह रहे हो, वॉल्यूम निकलेगा इससे, वॉल्यूम कहते हैं इसको, सही है, क्यूबिक मीटर आ जाएगा, क्यूबिक mm आ जाएगा, क्यूबिक मिलीमीटर या मिलीमीटर क्यूब शायद कहेंगे उसको, वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे 1 liter है, तो 1 liter जो है वो क्या होता है, नहीं नहीं मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं अगर 1 liter को मुझे, 1 liter किसी को आइडिया है कि किस चीज को कहते हैं 1 liter, व्हाट डज इट मीन बाय 1 liter, ऐसा ही है, हाँ 1 decimeter जो होता है, डेसीमीटर क्या होता है, टर्मिनोलॉजी है ना, डेसीमीटर 10 एक सर्टन मेजरमेंट होती है कि यार अगर एक बॉक्स हो जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और डेप्थ इतनी है, और उतने बॉक्स जितना पानी जो है, दैट इज कॉल्ड 1 liter, सही है। इस तरह की कोई मेजरमेंट होती है कि भाई वन, हम इमेजिन कर लेते हैं कि 3 inch, हमें 4 inch इमेजिन कर लेते हैं कि भाई 4 inch, अगर 4 inch का क्यूब है तो वो काइंड ऑफ 1 liter है, हम ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल वो कुछ और होगा। तो ये सारे ना मैथ एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब इस पेज के ऊपर जैसे ही आप आते हो, फेमिलियर एक्सप्रेशन, मैथ एक्सप्रेशन और फेमिलियर ऑपरेटर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्रेशन, जब इंसान कोई एक दूसरे इंसान से बात करता है तो वो एक्सप्रेस करने के लिए क्या चीज़ों का इस्तेमाल करता है, अल्फाज का इस्तेमाल करता है, किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और जुमले का इस्तेमाल करता है। तो इसके अंदर भी फिर मैथ एक्सप्रेशन के अंदर जो वर्ड्स होते हैं हमारे केस में, वो इसके अंदर क्या होता है, वो नंबर्स होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं। नंबर और ऑपरेटर से मिलके एक एक्सप्रेशन जो बनता है ना, 1 math expression इज इक्वल टू 1 jumla, ठीक है। एक जुमला हम जो बोलते हैं, एक आम बंदा, अगर मैथमेटिशियन वही जुमला बोलेगा ना मैथ की जुबान में, तो दैट इज कॉल्ड 1 expression, और वो एक्सप्रेशन मिलके बनेगा नंबर्स और ऑपरेटर से। वो ऑपरेटर किसी भी किस्म के हो सकते हैं, दुनिया में जितने ऑपरेटर हैं, ठीक है, सम का वो ऑपरेटर हो जाता है ऐसे एम टेढ़ा करके जो होता है, उसमें क्यूब हो, डेल्टा शेल्टा पता नहीं जो जो होते हैं ना, उसमें से कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू, प्लस माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलस, ठीक है। ये कह रहा है कि अब मैथ एक्सप्रेशन में हम वो वाले ऑपरेटर और नंबर अभी देखने जा रहे हैं जो फेमिलियर हो आप जिससे, समझ रहे हैं, एक तो फेमिलियर है और एक नॉन फेमिलियर, अभी आगे देखते हैं वो उसमें क्या बताता है। अच्छा, तो अगर किसी ने बोला कि 2 + 3 + 5 + 7, तो ये एक एक्सप्रेशन बना, एक जुमला बना मैथ की जुबान में। अच्छा, इस जुमले का कुछ मतलब होगा।
अच्छा इस जुमले का मतलब ये होगा कि जब भी मैथ एक्सप्रेशन देखेगा ना जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट विल ट्राई टू इवेल्यूएट दैट एक्सप्रेशन इनटू अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम किसी जो थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्रेशन की मिसाल ली थी, एक एवरेज कैलकुलेट करने का जो एक्सप्रेशन था या फॉर्मूला था उसमें कुछ चीज़ें अननोन होती हैं, है ना। एक्सप्रेशन जो होता है मिसाल के तौर पर मैथमेटिशियन ने एक फार्मूला बताया, उसमें कुछ चीज़ें अननोन होती हैं, इसी वजह से वो एक से ज़्यादा जुमले, एक से ज़्यादा उस पर मुश्तमिल होता है। अगर वो चीज़ें अननोन नहीं हों तो वो सिंगल एक वैल्यू होगी, है ना। मैथ इज़ ऑल अबाउट इवेल्यूएटिंग टू अ सिंगल वैल्यू। मैथ शुरू से इस चीज़ पर आए कि हर चीज़ का एक सिंगल आंसर होता है, बट उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और उन वो जब तक सारे कॉन्स्टेंट और वेरिएबल नोन नहीं होंगे ना, वो सिंगल वैल्यू तक आप नहीं पहुँच सकते, है ना। मैथ इज़ ऑल अबाउट दैट। अच्छा तो अब क्या होगा, हम एक एवरेज कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला आया, एक एक्सप्रेशन आया, तो वो क्या होता है कोई बता सकता है? ठीक है, अच्छा 10 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, सम ऑफ ऑल नंबर ये हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे, इसको मैं सिंगल कर देता हूँ ना, डिवाइड बाय टोटल और बस इक्वल्स टू, सही है, या आंसर कह लो या इसको कह लो कि भाई एवरेज ही निकल आएगा। अब इसमें ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये तीनों चीज़ें अननोन हैं, इसमें ये तीनों चीज़ें अननोन हैं। अभी सम ऑफ ऑल अननोन है, मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं, किसी के 8 नंबर आए, किसी के 7 नंबर आए, मैं 10 नंबर्स लिख देता हूँ, मैंने कहा कि 2, 4, 7, 3, 9, 10 भी एक में लगा दिया मैंने, सही है। काइंड ऑफ मैंने ये 10 नंबर लिखे हैं, सही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सही है, 3, 13 हटा देता हूँ, ये 10 नंबर लिख दिए मैंने। अब इन 10 नंबर को मैं क्या करूँगा, सम करूँगा तो मुझे ये वाली वैल्यू पता चलेगी ना, ये तो अभी अननोन है। अच्छा इमेजिन करें, इसको सम कर लेते हैं, अब कितना हो गया ये सम, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 9 25, हाँ 25 और 10 35, 49 हो गया, सही है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारी जो ये वैल्यू थी ना, ये थी 49। अच्छा मैथमेटिशियन ने बोला कि भाई ये वैल्यू आपको ज़ाहिर है पता नहीं होगी। अच्छा अब डिवाइड बाई टोटल, क्योंकि ये 10 था टोटल नंबर, तो टोटल भी हमें अब पता चला है, एट द टाइम ऑफ राइटिंग दैट फार्मूला वो हमें टोटल नहीं पता था, टोटल हमारा हो जाएगा 100, क्योंकि 10-10 नंबर थे सबके, तो अब 10 काउंट आता है इसमें, ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर और टोटल में आता है काउंट, कि कितनी वैल्यूज थी, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, गॉट इट, सही कहा तुमने। अच्छा ये नंबर हमें पता चल गया, तो अब ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे हम, तो ये तीसरा पता चल जाएगा। अगर एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस फार्मूला ये दोनों बातें पता होती, तो फिर ये जुमला नहीं होता पूरा, ये दैट वुड बी अ सिंगल डिजिट। अच्छा सिंगल डिजिट इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन, जब वो सिंगल डिजिट हो गया ना, तो दैट इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन, उसको भी बोल सकते हैं एक्सप्रेशन, क्योंकि जाहिर है अगर मैं कह रहा हूँ ना 76, तो मैं मैथ की ज़ुबान में कुछ बोल तो रहा हूँ ना, ठीक है, बट काइंड ऑफ कुछ है इंटरनल बात कि सिंगल डिजिट को वो एक्सप्रेशन नहीं कहते, लेकिन जब एक से ज़्यादा आ जाता है ना, तो उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। सिंगल डिजिट को प्रोग्रामिंग में एटलीस्ट उसको कहते हैं नंबर लिटरल, सिंगल डिजिट जो होता है, जो फिक्स होता है, उसको कहते हैं नंबर लिटरल, या कहते हैं वेरिएबल, या वेरिएबल वो होता है कि जो बाद में चेंज भी हो जाएगा, या नंबर लिटरल होता है, सीधा सीधा लिखा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ एक से ज़्यादा नंबर आ गए और बीच में उसके कोई ऑपरेटर लिखा हुआ है, तो दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट
ऑफ एन एक्सप्रेशन कि यार एक से ज्यादा नंबर होंगे और बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर होगा उसके, तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। अच्छा, और ये इन जनरल है, ये प्रोग्रामिंग के सेंस में बात नहीं की है मैंने, एक्सप्रेशन इन जनरल इसी बात को कहते हैं। हमें बचपन में एक्सप्रेशन लिख लिख के तो देते रहे हैं वो, लेकिन कभी इस बात पर किसी ने ना हमने हमारा खैर गौर करना नहीं था बचपन में, वो तो टीचर का काम था बताना, ठीक है। तो किसी ने इस बात पर रोशनी नहीं डाली कि एक्सप्रेशन इसको कहते क्यों हैं इन द फर्स्ट प्लेस, ये बात हो क्या रही है, चल क्या रहा है अंडर द हुड, ठीक है। तो आज आपको ये पता चल गया कि एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर में आगे कि ये क्या हो क्या रही है बात। इसने बोला जब कोई वेरिएबल बन रहा होता है ना, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक सिंगल डिजिट या नंबर लिटरल से उसको इनिशियलाइज़ करें, आप किसी एक्सप्रेशन से भी उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। बट जावास्क्रिप्ट जब भी इस एक्सप्रेशन को देखेगा, वो जावास्क्रिप्ट विल ट्राई टू इवेल्यूएट दिस एक्सप्रेशन टू अ सिंगल डिजिट, और वो सिंगल डिजिट जो है ना फिर इसके अंदर वेरिएबल में डालेगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये 2+2 वेरिएबल में सेव है, क्योंकि वेरिएबल कैन ओनली स्टोर वन नंबर एट अ टाइम। इसमें दो नंबर हैं, ये दो तो नहीं कर सकता वो, तो उसको इवेल्यूएट करेगा सिंगल पे। अच्छा, इसी तरीके से जब जहाँ पे प्रिंट करवाना है तो वहाँ पे भी मैं सिंगल डिजिट देता हूँ या नंबर लिटरल दे के प्रिंट करवाता हूँ, वहाँ पे भी मैं एक्सप्रेशन दे सकता हूँ, बट स्टिल जावास्क्रिप्ट विल ट्राई टू इवेल्यूएट दैट एक्सप्रेशन इनटू अ सिंगल वैल्यू, और ओनली आफ्टर दैट जावास्क्रिप्ट विल प्रिंट। अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो उसको सिंगल डिजिट पर इवेल्यूएट नहीं कर पाता, तो एरर है अगर नहीं कर पाता। अच्छा, क्या होगा वो केस? वो केस ये होगा कि मैंने लिखा है इसको कि num प्लस टू, जैसे होता है ना ये जैसे हमने फॉर्मूला भी देखा था थोड़ी देर पहले कि भाई हमारे पास क्या है, अननोन वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल। तो मैंने कहा कि यार टोटल प्लस टू यहाँ पे लिख दिया मैंने अलर्ट करवाते वक्त, तो अब ये टोटल के नाम से वो कोई वेरिएबल तलाश करेगा जो उससे पहले किसी लाइन में लिखा गया हो, ठीक है, किसी यूज़र ने वो लिखा हो वो बात। अगर उसको उस नाम का वेरिएबल नहीं मिला तो वो ख़त्म, एरर रुक जाएगा वहीं पे वो, ठीक है। उसको वो वेरिएबल की वैल्यू मिलनी चाहिए, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसकी भी वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम कांस्टेंट भी बना सकते हैं, अभी वो भी हम देख लेते हैं बल्कि लगे हाथों। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ऐसे कांस्टेंट भी बना सकता हूँ कॉन्स्ट करके, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टेंट ऐसे वेरिएबल होते हैं जो थ्रू आउट द कोड चेंज नहीं होते, बिल्कुल ये वेरिएबल जैसे होते हैं, कोई फर्क नहीं होता वेरिएबल में और इसमें। बट इसका प्रॉब्लम ये है कि इसको आप एक दफ़ा डिक्लेयर करते हैं तो थ्रू आउट द कोड इसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि यार टोटल के नाम से एक मैं कांस्टेंट बना देता हूँ मे बी, और मैंने कहा कि टोटल जो है वो 10 है। अब अगली लाइन में आके ना मैं टोटल लिखूंगा और इक्वल्स टू करके मैं इसको 12 करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर दे देगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं दे रहा, लेकिन ये ब्राउज़र पे जाके एरर देगा मुझे। क्यों नहीं दे रहा भाई दबा एरर, ये नहीं दे रहा है एरर यहाँ पे, हालांकि इसको देना चाहिए। वो तो नीचे मैंने ये बकवास लिखी हुई थी ना, इसकी वजह से दे रहा था। चला के देखते हैं ना इसको, ये एरर देना चाहिए इसको, देगा एरर ये नहीं, वो वैसे ही देगा बगैर प्रिंट किए, एरर देगा ये रहा ना, अनकॉच असाइनमेंट टू अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल एट दिस 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 नॉट अलाउड, ठीक है, एरर दे दिया इसने। तो कॉन्स्टेंट वेरिएबल वो होते हैं जिसको आप एक दफ़ा डिक्लेयर कर देते हैं, बाद में चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पे वैल्यू ऑफ पाए, अगर किसी ने मैथ पढ़ी है, पाए वगैरह पढ़ा है, तो वो पाए इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, आप एक दफ़ा ऊपर डिस्क एक दफ़ा अच्छा कॉन्स्टेंट वेरिएबल की ना एक वो कि उसको कैपिटल में लिखते हैं ना, सही है, ये भी एक कन्वेंशन है कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल जो होते हैं वो कैपिटल्स में इस तरह लिखते हैं। प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, मैथ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। तो प्रोग्रामिंग में जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं ऐसे कैपिटल से लिखा होता है तो पता चल जाता है कि ये कॉन्स्टेंट है, देख के ही पता चल जाए। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कांस्टेंट को कैपिटल्स में ना भी लिखे तो रहेगा वो कांस्टेंट ही, लेकिन ये कन्वेंशन है, लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो है, क्या बोल रहे हाँ, लेट, हाँ लेट करके नॉर्मल वेरिएबल बनता है, कॉन्स्ट करके फिक्स ना चेंज होने वाला वेरिएबल बनता है। तो अगर मैंने अलर्ट के अंदर 2+2 लिखा है तो वो 2+2 को 4 करके इवेल्यूएट करेगा, फिर प्रिंट करेगा। अगर मैंने लिखा है टोटल प्लस टू तो वो टोटल के नाम का वेरिएबल ढूंढेगा, उस टोटल को हटा के उस वैल्यू को वहाँ रखेगा वो, सही है, और उन दोनों को प्लस करके एक सिंगल वैल्यू करेगा और उसको फिर प्रिंट करेगा। अगर उसको टोटल के नाम का वेरिएबल नहीं मिला तो वहीं पे एरर है, ख़त्म। अच्छा, तो ये बात हमने समझ ली कि एक्सप्रेशन को कैसे ट्रीट करता है जावास्क्रिप्ट। अच्छा, इसी की कुछ मजीद एग्जांपल है कि यार वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है तो वेरिएबल को एक्सप्रेशन दे दिया इनिशियलाइज करने के लिए। अब इस एक्सप्रेशन में देखो दोनों नंबर हैं, इस दोनों नंबर की जगह एक वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, बीच में माइनस लगा हुआ है तो बीच में मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है, तो इन दोनों को ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डालेगा,
ठीक है, यहाँ पे देखो वो वाली बात आ गई कि एक नम ऊपर बना हुआ है। बच्चों यहाँ तवज्जो दो, ये बात समझ नहीं आई ना, फिर बाद में बड़ा मसला होगा। ठीक है, ये वेरिएबल एक नम बना हुआ है और बाद में नम प्लस 100 या 200 लिखा हुआ है। ठीक है, तो नम की जो भी वैल्यू होगी वो 200 में प्लस होके और जो भी रिजल्ट आएगा, एक सिंगल डिजिट का रिजल्ट आएगा, सिंगल वैल्यू होगी, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सिंगल डिजिट में बार बार बोल रहा हूँ, सिंगल डिजिट नहीं सिंगल नंबर कहना चाह रहा था मैं असल में, ये सिंगल डिजिट तो 2 होता है, यानी 200 तो सिंगल डिजिट तो नहीं हुआ, ये तो 3 डिजिट हो गया ना। ठीक है, तो सिंगल डिजिट जब मैं कह रहा था उसका मतलब है कि एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू की बात कर रहा था, सिंगल डिजिट में गलत बोल गया था। अच्छा, इसी तरीके से वो कह रहा है कि भाई एक वेरिएबल और एक नंबर था लिटरल, तो दोनों वेरिएबल भी होंगे तो चलेगा, यहाँ पे देखो दोनों वेरिएबल हैं तो भी एक ही बात है, लेकिन वो स्टिल उसको दोनों वेरिएबल मिलने चाहिए, अगर वो दोनों में से एक भी वेरिएबल मिला नहीं उसको तो एरर। यही वजह है कि देखें दोनों वेरिएबल यहाँ बने हुए हैं और ये दिख रहा है उसको यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से, अच्छा ये जो ऑपरेटर्स है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं मैथ में ना। ठीक है, यूजिंग मल्टीप्लाई, अच्छा दिस वन मे बी नॉट, कह रहे अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है ना, चार प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो तो आपको पता होंगे, हो सकता है ये वाला ऑपरेटर ना आप पहली दफा देखो आपने, परसेंटेज का। अच्छा, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, अगर मैं नाम गलत, हाँ मॉड्यूलस लिखा हुआ है ना ये, तो ये करता है क्या है, ये करता है डिवाइड, लेकिन डिवाइड करके, डिवाइड का रिजल्ट, डिवाइड जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें दो रिजल्ट मिलते हैं हमेशा, तो क्या मिलते हैं वो रिजल्ट, एक रिमाइंडर करके एक चीज़ मिलती है। मिसाल के तौर पर मैं डिवाइड आपको समझाता हूँ कि डिवाइड में असल में हो रहा क्या होता है। इमेजिन करें कि एक केक है गोल सा, वो जो बर्थडे वाला केक होता है, अच्छा तो वन, उस केक की वैल्यू है 1, मैंने वो केक 3 लोगों को देना है तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 3। जब डिवाइड बाई 3 करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 0.33 आएगा, कि जो भी वो टोटल 1 वैल्यू थी वो 0.3 एक को, 0.3 दूसरे को, 0.3 तीसरे को। या इमेजिन करें कि उस केक की वैल्यू अगर थी 100 थी मिसाल के तौर पे, क्योंकि 1 में शायद ये मुश्किल हो रहा है, एक केक था उसकी वैल्यू थी 100, या उसका समझ लें वज़न जो था वो उसका 100 ग्राम था, इस केक का वज़न 100 ग्राम था, तो उसको 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो मैं 33 ग्राम के 3 हिस्से बनाऊँगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वो 33 तो मैं बना दूंगा, लेकिन 33 और 33 ये होता है 99, 100 नहीं होता। ठीक है, तो ये केक वाले केस में तो हो जाएगा, क्योंकि मैं वेट के हिसाब से कर रहा हूँ, केक के केस में तो ये हो जाएगा, लेकिन इमेजिन करें बुक्स हैं, 100 बुक्स हैं। ठीक है, 100 बुक्स जो होती हैं वो आपको डिवाइड करनी है 3 लोगों में, तो आप वो कैसे डिवाइड करेंगे, 33 तो 3 को दे दिया, अब बच गई आखिर में एक, अब एक बुक को काट तो नहीं सकते, केक में तो ये था ना कि ग्रामेज था, तो ग्राम आप थोड़ा थोड़ा करके आपने ग्राम डिवाइड कर दिया, उसमें काट सकते थे, इसमें काट नहीं सकते। या 100 बंदे हैं उनको 3 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं है ना, तो आखिर में जो एक बच गया उसके 3 टुकड़े तो नहीं कर सकते है ना, तो क्या कहते हैं, अब क्या करें। अच्छा, आम तौर पे मैथ्स की ज़ुबान में देखो हर चीज़ को एक्सप्रेस करने का मैथ की ज़ुबान में कुछ है ना, तो इस फिनोमेना को जो है ना मैथ की ज़ुबान में जब एक्सप्रेस करेगा मैथमेटिशियन, तो उसको कहता है कि डिवीज़न अब मजीद नहीं हो सकती, रिमाइंडर रह गया, बचा हुआ माल है, सही है, तो इसको कहते हैं हम रिमाइंडर, कि 100 बुक थी, 33 दे दी, अब एक बच गया, इसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक रियलिस्टिक डिवीज़न होती है ना, रियल लाइफ में जो डिवीज़न होती है उसमें हमेशा रिमाइंडर बचने का चांस होता है। ठीक है, जो पॉइंट में जो आंसर आता है ना, दैट इज़ मोर लाइकली अनरियलिस्टिक। ठीक है, रियल लाइफ में तो ऐसे डिवाइड तो नहीं होता, रियल लाइफ में या तो कपड़े होंगे, या तो सोफ़ा होगा कोई, या तो कुछ ऐसी चीज़ होगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम रियल लाइफ में जब डिवाइड होता है तो रिमाइंडर बचने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सनग्लासेस हैं कोई, अब देना है 10 लोगों को देना है, 13 सनग्लासेस हैं, 10 लोगों को देना है, बताओ 13 सनग्लासेस हैं, 10 लोगों को देना है, फिर 3 बच जाएगा और क्या होगा
भाई 20 होता तो दो दो मिलता ना, दो तो मिल नहीं सकता, 1 point something तो मैं दे नहीं सकता मैं, तो 13 सनग्लासेस में 3 रिमाइंडर ही है, 10 को देंगे हम सिर्फ, 10 को दे सकते हैं। तो मॉड्यूलस जो है ना आपको क्या करता है कि अगर कोई रिमाइंडर है तो मॉड्यूलस आपको वो दे देता है, अदरवाइज जीरो देता है। मिसाल के तौर पे 20 सनग्लासेस थे और डिवाइड करना था 10 लोगों में, तो अब दो ऑपरेटर मेरे पास मौजूद हैं, अगर तो मैं डिवाइड का ऑपरेटर लगाता हूँ जो कि स्लैश है, इसके केस में ना वो स्लैश करके बोलते हैं, ठीक है, ये रहा स्लैश, तो या तो मैं बोलता कि 10/3, 20/10 ये बोलता ना मैं कि 20 सनग्लास है 10 लोगों में डिवाइड करना है, तो उसका आंसर आ जाता 2। तो ये तो है एक्चुअल डिवीजन की वैल्यू जो मुझे मिली है। अच्छा, लेकिन अगर 18 सनग्लास हैं, अगर दो कम है तो, अच्छा अगर 20 है और सनग्लास है और 10 लोगों में डिवाइड करना है तो उसमें रिमाइंडर बचेगा 0, तो स्लैश तो मैंने लगाया तो 2 आंसर आया, ये मॉड्यूलस लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं है, इवनली डिवाइड हो गया तो मॉड्यूलस आएगा 0। अब दूसरे सिचुएशन में आ जाते हैं कि 13 सनग्लास वाले में और 10 लोगों में उस पर डिवाइड करना है, तो इसमें क्या होगा, डिवाइड जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 1 point something, ठीक है, 1 point something आएगा, और मॉड्यूलस जब हम करेंगे तो वो क्या करेगा, जो रिमाइंडर बनता है इसका वो मुझे दे देगा। अब इस ऑपरेटर की जो एप्लीकेशन है सबसे ज़्यादा, यानी एप्लीकेशन तो वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसको इवन ऑड कैलकुलेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी नंबर आपको मिला है तो कैसे पता लगाते हैं आप कि ये इवन है या ऑड है, डिवाइड बाई टू करते हैं, डिवाइड बाई टू करने से अगर इवनली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो वो इवन है, और अगर इवनली डिवाइड नहीं होता, कुछ पॉइंट में आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि कुछ बचा हुआ रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको एक तो पता लगाने का ये तरीका है कि मैं डिवाइड करूं सीधा टू से, स्लैश वाला डिवाइड, और आंसर को देखूं कि पॉइंट वाला तो नहीं आ रहा कहीं, एक तो ये तरीका है। दूसरा आसान तरीका ये कि मॉड्यूलस लगाऊं, मॉड्यूलस लगाऊं, अगर जीरो आ गया तो इवन है, अगर टू से इवनली डिवाइड हो गया तो मॉड्यूलस जीरो देगा मुझे रिमाइंडर, तो ये ठीक है। तो ये इवन ऑड पता लगाने के लिए एक सबसे पहली एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी, अब ये थ्रू आउट द कोर्स बहुत सारी चीज़ों में ये आपके काम आता रहेगा। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें ये चार ऑपरेटर जो है ना उसके साथ ये मॉड्यूलस ज़रूर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है, इसीलिए इसने अनफेमिलियर में इसको डाला है। अच्छा, अच्छा जी, तो इतना हमने पढ़ लिया है जावास्क्रिप्ट के, अब एक असाइनमेंट देना बनता है, सही है। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट का पहला असाइनमेंट होने जा रहा है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का जो पहला असाइनमेंट है, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ रहती है, अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, है ना, तो अब जल्दी से हम इसको यहीं तक रोकते हैं चैप्टर 5 तक, और हम अब यूज़र से इनपुट और आउटपुट लेना सीखते हैं, और आज आप घर से बना के लाएंगे कैलकुलेटर का एक सॉफ्टवेयर बना के लाएंगे आप, ठीक है, ये जो मैं बताऊंगा इसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप छोटा सा कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना लेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं जी।